हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आज आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस टाइप से आप लोग अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट में आप लोग यहाँ पे अपनी फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, किस टाइप से लगाएंगे मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ रेड की बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड बगल में बैक करना दबाना बोले, इंडिया वीडियो पसंद है तो लाइक करना बोले और शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले आप लोग को जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है फ़ोन कॉन्टैक्ट। किस टाइप से डाउनलोड करना मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग को इसके सेटिंग्स के बारे में बता दूं कि आप लोग यहाँ पे किस टाइप से यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज आप लोग करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे फ़ोन में क्लिक करेंगे इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप लोग को परमिशन मांगेगा तो आप लोग यहाँ पे अग्री कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे लगा लिया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को बैकग्राउंड लगाने के लिए आप लोग यहाँ पे जैसे थ्री डॉट दिख रहा है ऊपर में, मैं यहाँ पे शो टच कर रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग के यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लू अक्षर में, इस पर आप लोग को क्लिक करना है और आप लोग के यहाँ पे सेटिंग क्लिक किया जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रही होगी फिफ्थ वाली सेटिंग, पर्सनलाइज सेटिंग, ठीक है ना। तो आप लोग इस पर क्लिक करना है। तो आप लोग के यहाँ पे डार्क थीम वाला ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, तो आप लोग के यहाँ पे डार्क रख सकते हैं, लाइट भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। फ़ोन स्टाइल आप लोग चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप लोग। हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे किस टाइप से हम यहाँ पे फोटो लगाएंगे। तो आप लोग का हमें माई बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिखता है, इसके बाद आप लोग को डायल पे बैकग्राउंड दिखता है। डायल पे बैकग्राउंड पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को रिस्टोर टू डिफॉल्ट वाला रहेगा। तो मतलब आप लोग पुराना वाला लगा सकते हैं या फिर गैलरी से आप लोग कोई भी फोटो चूज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो गैलरी से आप लोग यहाँ पे फोटो चूज कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है ना, डायल पेड में। और कॉल नंबर की बात करें तो कॉल नंबर पे आप लोग यहाँ पे गैलरी की फोटो लगा लीजिएगा, कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्रॉप कर लीजिएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग गैलरी का ऑप्शन है तो आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी यहाँ पे लगा सकते हैं। एकदम ईजी तरीका है दोस्तों। तो आप लोग इस टाइप से लगा लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोग को दिखा दूँ ये इसके किस टाइप से बैकग्राउंड दिखता है। मतलब आप लोग यहाँ पे डायल पेड में देखते, हमारा कॉल लॉन्ग में देखते आप लोग यहाँ पे किस टाइप का बैकग्राउंड दिख रहा है। कीबोर्ड में आप लोग देखते किस टाइप का बैकग्राउंड दिख रहा है। मैं आप लोग कॉन्टैक्ट दिखा दूँ तो कॉन्टैक्ट में भी आप लोग को इस टाइप का यहाँ पे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग हमें ईजी तरीके से लगा सकते हैं अपने कोई भी फ़ोन में बैकग्राउंड। और इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और आप लोग प्ले स्टोर पर ढूंढने की गलती मत करिए, क्योंकि ये एप्लीकेशन एकदम पैड एप्लीकेशन है तो आप लोग के फ़ोन में वर्क नहीं करेगी। बट मैं आप लोग को जो लिंक दिया हूँ उससे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोग के यहाँ पे जो है 100% ये एप्लीकेशन जो वर्क यहाँ पे करेगी। तो एकदम इजी तरीका था दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो भी वीडियो कमेंट करना बोले मैं उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखकर जय माता दी।